नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूप दोपहर या रात के खाने से पहले सिर्फ एक स्टार्टर के रूप में ही लिया जाए। इतने सारे फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स के साथ सूप की वैरायटीज तो उपलब्ध है ही, जिसे आप हर दिन एक नए स्वाद का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में बात जब पोषण की आती है तो जूस और सूप दोनों में ही पोषक तत्वों की भरमार होती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों ही ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हों और इनमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए। बेहतर होगा अगर आप ताजे फल और सब्जियों से जूस और सूप घर पर ही तैयार करें और बाजार में उपलब्ध पैकेट बंद जूस और सूप पर अपनी निर्भरता कम कर दें, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध रेडी टू यूज जूस और सूप के ये विकल्प स्वादिष्ट तो जरूर होते हैं, लेकिन पोषण के मामले में उतने ज्यादा लाभकारी नहीं होते। जूस बनाते वक्त फलों और सब्जियों से उनके रेशों को छानकर अलग कर दें, ताकि जूस पीने में ज्यादा स्वादिष्ट लगे और रेशे गले में नाटके। छानने से जूस का स्वाद और टेक्सचर जरूर बेहतर होगा, लेकिन उसके एक खास गुण में कमी हो जाती है, ये है फाइबर। रेशे अलग होने से जूस में फाइबर की कमी हो जाती है। इससे शरीर को अन्य पोषक तत्व तो देता है, लेकिन फाइबर नहीं देता। वही सूप बनाते वक्त सब्जियों को उबालकर उन्हें मैश किया जाता है या फिर मिक्सी में पीसा जाता है। इससे उनके फाइबर सूप में ही मौजूद रहते हैं, इसलिए सूप पीने से आपके शरीर को फाइबर का पूरा लाभ मिलता है। इस लिहाज से देखें तो सूप जूस से बेहतर होता है। वही जूस को आइस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सूप गर्मा गर्म एंजॉय किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ठंडी चीजों के मुकाबले गर्म चीजों को पचाना हमारे पाचन तंत्र के लिए ज्यादा सुखद अनुभव होता है, क्योंकि ठंडी चीजों को पचाने में हमारे शरीर को जठरांगनी को अपनी प्रकृति के विरुद्ध आए भोजन का पाचन करना होता है। इसके लिए पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि गर्म चीजें पचाना जठराग्नि की प्रकृति के अनुकूल होता है। इसलिए पाचन के मामले में भी सूप ने जूस से रेस जीत ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलें कि आपकी क्या राय है।